तो वेलकम बैक टू फैशन सियापा गाइस। आज हम इस वीडियो में उन पांच मिसकंसेप्शंस को कवर करने वाले हैं जो कि हर स्टाइलर या कोई भी जो हेयर स्टाइल करना चाहता है इस चीज़ को सोचता है कि हाँ ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और इसके वजह से ही वो अपने हेयर स्टाइल की पूरी बैंड बजा लेता है गाइस। तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान दो और इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, इसको अपने दिमाग से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो उन पांच मिसकंसेप्शंस में से पहला मिसकंसेप्शन यानी कि यू मस्ट स्टार्ट विद वेट हेयर्स, राइट गाइज। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि आपको आपकी हेयर स्टाइल करनी है तो आप वेट हेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। गाइज प्लीज डू नॉट इवन ट्राई दिस गाइज। क्या होता है कि जब आपके जो हेयर होते हैं वो वेट होने के टाइम उसमें काफी मॉइस्चर कंटेन होता है जो कि आपके बालों को हेयर प्रोडक्ट यूज करना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गाइस जिनके शॉर्ट हेयर्स है वो इस दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं, उठने के बाद जब वो अपने आप को देखते हैं तो उनके बाल कुछ इस तरह होते हैं जहाँ पे वो मुर्गी जैसे दिखते हैं गाइस। तो उनका पहला पॉइंट यही होता है, पहला मोटिव यही होता है कि उठना, बालों को धोना, नहाना और अपने बालों को फिर से रिसेट करना ताकि वो अपने हेयर स्टाइल को अपने डिफॉल्ट स्टेट में ला सके, ताकि कोई उन्हें देख के उनका मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाए। तो गाइज इस टाइम पे आपको करना क्या है कि जब आप अपने बालों को वॉश कर लो तो उसके बाद का काम आपको पूरी तरह से ब्लो ड्रायर पे छोड़ देना है। आपकी हेयर ड्रायर आपको तब तक करनी है जब तक कि आपके जो हेयर है वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। गाइज इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो गाइज क्या होता है, हेयर ब्लोअर का बेसिकली काम यही है, प्राइमरी काम यही है कि वो आपके बालों को एक डिजायर स्ट्रक्चर दे, एक ऐसा टेक्सचर में ला के रखे जहाँ पे आप अपने हेयर स्टाइल को उसके आगे कंटिन्यू कर सको। तो जब आप ऐसे ही बालों को सुखा लिया फैन से या नॉर्मली नेचुरली बाल आपके सूख गए तो आपके बाल ऐसे नीचे ही रहेंगे। आपको वॉल्यूम अगर लेना है तो आपको ब्लोअर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। तो ब्लोअर को अपना काम करने दो, ये मत नहीं कि मेरा बाल सूख गया, नेचुरली सूख गया, मुझे ब्लोअर ड्रायर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आपको हेयर ब्लोअर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। तो अपने बालों को अच्छी तरह से ब्लो ड्राई कर लो, उसके बाद आता है हमारा हेयर प्रोडक्ट लेने का टाइम। आप हेयर प्रोडक्ट लो, मैं कोई भी हेयर प्रोडक्ट ले सकते हो आप, इसमें कुछ ये नहीं है, बट मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेयर वैक्स ही लो। हेयर वैक्स ही सबसे बेस्ट है गाइस जो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको हेयर वैक्स कैसे यूज़ करना है, हेयर वैक्स आपने एक सर्टेन अमाउंट अपने फिंगर पे ले लिया, उसे अच्छी तरह अपने पाम पे लगाओ, उसे अच्छी तरह रब कर लो, उसे अच्छी तरह चार्ज कर लो, क्योंकि और आपको चार्ज तब तक करना है तब तक कि जब तक आपने जो हेयर वैक्स लिया हुआ है वो कम्प्लीटली इनविजिबल ना हो जाए आपके हाथों से। तो इससे क्या होगा कि कोई जो उस हेयर वैक्स है वो आपके बालों पे नहीं रहेगी। आपने उसे अच्छे से चार्ज कर लिया, वो डिजॉल्व हो गया अच्छी तरह से, फिर आप अपने बालों पे लगाओ तो वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा गाइज। तो इस हेयर वैक्स को आपने अपने हालों पे लगा लिया, हेयर सेट करने से पहले आपको ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हेयर को अच्छी तरह से लगा लिया और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके हेयर वैक्स को कंप्लीट सारे डायरेक्शन में घुमाना है। ऐसे नहीं कि मेरे को यहाँ पे हेयर स्टाइल करना है तो बस मैं यहाँ लगा रहा हूँ, बाकी इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आपको पूरी तरह से आपके बालों को कवर करना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो जितने भी बाल है वो पूरी तरह कवर हो जाए उन हेयर वैक्स से। फिर ये हो गया हेयर वैक्स लगाने का प्रोसीजर। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कोम लेना है, आपको कुछ भी लेना है। अब लो कोम ही लो एक्चुअली, और राउंड वाला कोम लो, सर्कुलर कोम आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपके बालों को प्रॉपरली सेट करके रखेगा। तो हेयर कोम ले लो, उसे अच्छी तरह से अपने बालों को सेट करो जिस डायरेक्शन में आप सेट करना चाहते हो। अगर आपको फिर ज़रूरत फील हो कि आपको हेयर ब्लोअर की फिर ज़रूरत है तो हेयर ब्लोअर फिर से आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह ध्यान रखना गाइज। एंड अब आते हैं हमारे मिसकंसेप्शन पॉइंट नंबर टू जो कि है यू इधर नीड ओनली हेयर वैक्स और हेयर स्प्रे, राइट गाइज। बहुत लोगों की ये सोच है कि मतलब अगर मुझे सिर्फ हेयर वैक्स ही लेना है या फिर हेयर स्प्रे ही लेना है। तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि हेयर वैक्स और हेयर स्प्रे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है गाइज। ये दोनों अलग अलग कामों के लिए बने गए हैं। लाइक आपने अगर हेयर वैक्स ले लिया, हेयर वैक्स को आपने लगा लिया, आपको हेयर वैक्स लगाने के बाद एक हेयर स्टाइल तो मिल जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान दोगे कि जब आपने हेयर वैक्स को यूज़ कर लिया तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, वो एक सर्टन टाइम तक रहेगा, लाइक पूरे एंटायर डे तक वो आपको बिल्कुल साथ नहीं देगा। आपकी जो आपने पफ बनाया, आपने वॉल्यूम बनाया, वो काफ़ी देर तक नहीं रहेगा।
तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि आपने हेयर वैक्स लगा लिया, उसके बाद आपके एक सर्टेन टाइम तक आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद आप ये फील करोगे कि आपके हेयर जो है काफ़ी ऑयली हो गए, काफ़ी इतने डिस्कस्टिंग हो जाते हैं ना कि आप अपने हाथों को भी उसमें घुमा नहीं सकते हो। वो जो उसके अंदर से जो पार्टिसिपेंट निकलते रहते हैं वो काफ़ी गंदे होते हैं, इतने स्टिकी होते हैं कि आपको आपके बालों को हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है गाइस कि आपको हेयर स्प्रे यूज़ करना है। राइट गाइस, आपको इस टाइम पे हेयर स्प्रे यूज़ करना है। एस्प्रे का काम क्या होता है, आपके बालों को अच्छी तरह से लॉक करके रखेगा, आपके बालों को फ्रीज करके रखेगा एंड आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद आपने वो लगा लिया स्प्रे यूज़ किया तो आपको थोड़ी देर तक ही वो साथ देगा, नहीं, आपको वो लॉन्ग लास्टिंग साथ देगा। एंटायर डे बना से ही आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स तक भी आपके बाल वैसे ही रह गए तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। इज लाइक बार बार से क्या होता है कि जब हम वैक्स लगा लेते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं उसको ना, तो वो सडन टर्न लेने लगता है। लाइक मैंने ऐसे अभी पफ बना रखा है, उसके बाद वो थोड़े लूज होंगे वो नीचे आने लगेगा। उस टाइम पे जब आप हेयर स्प्रे को यूज़ करोगे तो उसे अच्छी तरह से वो लॉक करके रखेगा। एंड मेनली गाइस, जब आप स्प्रे यूज़ करो तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान दो कि आप उसको एक सर्टेन हाइट से, एक सर्टेन डिस्टेंस से आप उसे अपने बालों पे स्प्रे करो। आपकी आंखों से जितना ज़्यादा आप उसको दूर रख सकते हो उतना ज़्यादा दूर रखो गाइस। क्या होता है कि अगर वो आपके आंखों में गए उसकी इरिटेशन इतनी ज़्यादा होती है आपकी आँख काफ़ी रेडनेस में फॉर्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड सेकेंडली गाइज, जब भी आप अपने बालों पे हेयर स्प्रे करो तो एक डिस्टेंस पे स्प्रे करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्प्रे को अपने पास रखोगे उतना ज़्यादा आपके बाल जो है वो हार्ड होंगे और हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि वो नेचुरल दिखेंगे ही नहीं, वो एक आर्टिफिशियल सा लगेगा। तो हमारे मिसकंसेप्शन में से पॉइंट नंबर 3 है जो कि मोर द एक्सपेंसिव हेयर वैक्स द बेटर इट इज़। तो गाइज, बहुत लोगों की ये मिसकंसेप्ट है कि जितने ज़्यादा महंगे हेयर प्रोडक्ट होते हैं उतने ज़्यादा ही वो अच्छे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। इससे क्या होता है कि जो हेयर वैक्स हेयर स्प्रे है वो 100 rupees से भी स्टार्ट होते हैं और 5000 तक रेंज करते हैं, वो वैरी करते हैं कंटेनर टू कंटेनर पे। एंड अगेन, हेयर वैक्स में भी कई मल्टीपल टाइप्स आते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं आउट ऑफ बेड लुक, शाइन लुक, मैट लुक एंड हार्ड सुपर हार्ड लुक। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से भी आपको कौन से वैक्स खरीदने चाहिए, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर यही है गाइस कि जो आपके बालों की लेंथ है वो डिसाइड करेगी, वो आपको हेल्प करेगी ये सिलेक्ट करने में कि आपको कौन सा हेयर वैक्स यूज़ करना चाहिए। आपको मेन ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, लाइक आपको वॉल्यूम करना है, आपको स्पाइक करना है, और आपके बालों की लेंथ कैसे, वो वैसे हेयर स्टाइल हो रहा है या नहीं, आपको कौन से हेयर कट की ज़रूरत है, तो इस बात पर डिसाइड होगा कि आपको कौन सा हेयर वैक्स यूज़ करना है। इसी क्या होता है कि आप कोई भी अगर वैक्स खरीद लो जो कि आप उस चीज़ के अवेयर नहीं हो कि वो किस किस यूज़ के लिए है, तो आपने वो वैक्स ले लिया, आप कितने भी अमाउंट वो वैक्स ले लो अपने बालों पे अप्लाई करो, वो आपको पफ बिल्कुल भी नहीं देगा, उल्टा वो आपके बालों को और भी ज्यादा ऑयली बनाएगा, और भी ज्यादा डिस्कस्टिंग बनाएगा गाइस। तो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान देना है कि आप कौन सा हेयर वैक्स को सिलेक्ट कर रहे हो। एंड सी, ऐसा नहीं है कि जो महंगा है वही अच्छा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक प्राइस में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसके रिजल्ट उन महंगे वालों से भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर कुछ एग्जांपल लिए जाए कि कौन से हेयर प्रोडक्ट जो सस्ते हैं और अच्छे रिजल्ट है, तो ये हो रही उनकी लिस्ट, जिसमें आता है अर्बन गुरु का हेयर क्ले वैक्स, सेकेंड आता है मैन अर्डन का वैक्स, थर्ड आता है ब्रिडो का हेयर वैक्स। तो ये तीनों काफ़ी अच्छे है गाइज, इस प्राइस में आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलना है, इज रियली प्राइस वर्थ इट गाइज। सो आप इन सबको चेक कर लो एक बार, इनमें से कौन से आपके लिए है, आपको कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हो, आप डिसाइड करो, उसमें से परचेस करो। इसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होगी तो उसे चेक करो, आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड फिर बात आता है क्ले का, राइट, आपको क्ले भी यूज़ अगर करना है तो क्ले क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है गाइस। एंड फिर भी अगर आप क्ले, प्योर क्ले यूज़ कर रहे हो बिना किसी वैक्स में मिक्स किए, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बाल है वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाती है एंड उसके अंदर एक पाउडरी फ्लक्स छोड़ता है जो कि बिल्कुल डैंड्रफ जैसा दिखता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए हेयर स्टाइल के टाइम गाइस। तो हमारे लिस्ट में आता है मिसकंसेप्शन 4 जो कि है एनीबडी कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ स्प्रे। ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का हेयर वैक्स यूज़ कर सकता है। तो मैंने ये बहुत लोगों में देखा है कि कोई भी ये कहते रहता है कि यार तू ये वैक्स यूज़ कर ले, तू ये क्ले यूज़ कर ले, ये स्प्रे यूज़ कर ले। तो उसी कैसा होता है कि हर किसी को वो सूट नहीं होता है, कोई कोई एलर्जिक होता है अल्कोहल से, कोई अलग केमिकल कंपाउंड से। एंड हमें ये बात अच्छी तरह पता है गाइस कि जो वैक्स होते हैं, जो स्प्रे होते हैं, वो केमिकली हाईली कंटेंट होते हैं गाइस। तो उसे अगर उस बंदा अगर उस चीज़ के एलर्जिक है तो उसे उसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो क्ले वैक्स यूज़ कर रहे हो उसके वजह से आपको अगर इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो आपको वो उसी वक्त बंद कर देना है, इमीडिएट उसे स्टॉप कर दो यूज़ करना। आप जब हेयर प्रोडक्ट यूज़ करो तो आप कंफर्टेबली उसे यूज़ करो,
गाइस, आपको एक टॉर्चर जैसा उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो ये मिसकंसेप्ट ना रखो कि लाइक अगर उसने ये मुझे बोला है वो यूज़ करता है उसके ऊपर अच्छे से सेट होता है तो मेरा भी ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। उसकी कंडीशन अलग है, आपकी हेयर कंडीशन अलग है, उसके हेयर स्ट्रक्चर अलग है, आपके हेयर स्ट्रक्चर अलग है, आपके फेस कट अलग है, उसकी फेस कट अलग है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत जाओ कि आपको उसने कहा, आपको उसने रिकमेंड किया तो आप वो यूज़ करो, वो आपके ऊपर कैसा रिजल्ट दे रहा है उस चीज़ पर ध्यान दो गाइस। तो हमारे मिसकंसेप्शन लिस्ट में से आता है पॉइंट नंबर 5 जो कि है wax does not permanently damage your hairs, right guys? बहुत लोगों की ये सोच है कि आपके जो हेयर wax आप यूज़ करते हो उससे आपको permanent damage नहीं होता है। इससे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाईली ऑयल कंटेंट होते हैं, तो जब आप अपने बालों पे उसे लगाओगे और जब आपको उसे वॉशअप करना होगा तो आपको उसे 2 बार वॉश करना होता है, वो भी शैम्पू से, ताकि वो आपको कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो जाए आपके बालों में से। तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके बालों को परमानेंटली डैमेज करते हैं। इससे क्या होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करोगे एंड आप फिर वॉश करके छोड़ दोगे, आपने एक ही बार वॉश किया तो उसकी जो कंटेंट है वो आपके बालों में रह ही जाएगी गाइज। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्कल्प है वो डैमेज हो जाएगी, आपकी जो हेयर पोर्स है वो डैमेज हो जाएगी, जो कि परमानेंटली रिजल्ट करेगी आपके हेयर फॉल्स को गाइज। एंड वहाँ पे हेयर कभी उगेंगे ही नहीं। अगर आपका एक टाइम आपकी अगर स्कल्प डैमेज हो जाए, आपके हेयर पोर्स डैमेज हो जाए, तो उसके बाद वहाँ पे हेयर उगना इट्स रियली इम्पॉसिबल गाइस। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, फिर उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन आता है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि वापस अलग एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो उसके कंटेंट क्या है, उसके इंग्रीडियंट्स क्या है, तो इसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो आपको खुद पता होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। होप करता हूँ कि मैंने आपके कई पॉइंट्स को क्लियर किया आज, और अगर कोई भी पॉइंट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं उस पॉइंट पर रिसर्च करके आपको प्रॉपरली बताऊंगा। जो रिसर्च हम करते हैं वही हम आपके सामने लाते हैं, हम इसमें से कुछ तोड़ मड़ो कि अपने मन से ऐसा कुछ भी नहीं ला रहे गाइज, हम इसे पर्सनली यूज़ कर रहे हैं और फिर वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो आप फेस बिल्कुल भी ना करो। सी कोई तो होना चाहिए जो आपको एक गाइडेंस दे ताकि आप इसे यूज़ कर सको अच्छी तरह से। तो हमारा पॉइंट यही है गाइज कि हम आप तक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सके। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन गाइज, आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करेगा हमें और नए वीडियोज़ बनाने के और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दैन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन गाइस, जो कि यहाँ पे कहीं पॉपअप हो रहा होगा, गोल सा है यार, उसको बस क्लिक करो, उस पर सब्सक्राइब दबाओ, हो गया बस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में सून।